अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चीज़ केक, और मैंगो का सीज़न चल रहा है तो मैं मैंगो चीज़ केक बनाऊँगी। चीज़ केक ऐसी बनाएंगे हम जिसमें ना कोई कंडेंस मिल्क लगेगा, ना ही कोई चीज़ लगेगा, या ना ही ये ओवन में बनेगा। हम इसको गैस पर बनाएंगे। तो आप मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। तो फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीज़ केक बनाने के लिए मैंने ये लोटस बिस्किट लिया है। आप चाहें तो कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, वो नमकीन नहीं होना चाहिए, मीठा बिस्किट कोई भी ले सकते हैं आप। तो मैं इसको एक प्लास्टिक बैग में डाल दूंगी सारे बिस्किट्स को। सारे बिस्किट्स को प्लास्टिक बैग में डालने के बाद हम एक कोई हेवी चीज़ ले लेंगे, या तो बेलन ले लें या कोई भी ऐसी हेवी चीज़ है जिससे कि आप इसको बिस्किट्स को फोड़ सके और उसका चूरा बना सके। सारे बिस्किट्स को ऐसे ही हम बेलन से दबा के चूरा बना लेंगे जिससे कि इसमें कोई बड़े पीसेस ना रहें, सब एक बराबर चूरा रहे। तो ऐसे ही मैंने बना लिया है। उसके बाद से हम इसको बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे, और उसके बाद से हम इसमें डालेंगे बटर, डालेंगे मेल्टेड बटर। आप इसमें 4 से 5 स्पून मेल्टेड बटर डाल दें। और ये बिस्किट मैंने पूरा एक पैकेट बिस्किट का मैं चीज़ केक बना रही हूँ। कोई भी बिस्किट आप ले सकते हैं, वो मीठा बिस्किट होना चाहिए, नमकीन नहीं होना चाहिए। नमकीन बिस्किट से केक जो है अच्छा नहीं बनेगा। अब यहाँ मेल्टेड बटर डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर ले, चाहे तो हाथ से मिक्स कर ले या स्पून से मिक्स कर ले। उसके बाद मिक्स करने के बाद हम मोल्ड ले लेंगे, केक मोल्ड जो आता है। इसके लिए मैंने ये हार्ट शेप का मोल्ड लिया है। उसमें नीचे जो है हम बटर पेपर लगा देंगे। उसके बाद से जो हमने बिस्किट का चूरा रेडी किया है बटर लगा के, यहाँ पर हम बटर पेपर जो है वो थोड़ा बड़े साइज़ का लेंगे, क्योंकि हमें बाद में इसको चीज़ केक को मोल्ड से अलग करने में आसानी रहेगी। तो हमें थोड़ा बड़ा साइज़ का बटर पेपर लेना है। जो है बिस्किट को हम मोल्ड में डाल के थोड़ा अच्छे से उसको हाथ से दबा के प्रेस करके जो है शेप बना लेंगे, जैसा मोल्ड है उसमें अच्छे से उसको एक लेयर बन जाए। तो दबा दबा के हम बना लेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप जैसे मैं बना रही हूँ, और बन जाए उसके बाद से हम इसको थोड़ा साइड में कर देंगे और दूसरी चीज़ें हम देख लेते हैं। उसके बाद से हम एक कॉटन क्लोथ या मसलन क्लोथ या कोई भी रुमाल भी ले सकते हैं आप, वो लेके उसमें जो है हम दही डालेंगे। इसके लिए मैंने 2 कप दही लिया है। इसके बाद हम कपड़े से इसको बांध के अच्छे से दही के पानी को अलग कर लेंगे, और जो ये हंग कर्ड होता है वो हमें बनाना है। तो हम दही के पानी को अच्छे से दबा दबा के अलग कर लेंगे पानी को, तो हमें जो ये बच जाएगा ये हंग कर्ड चाहिए हमें। उसके बाद से हम बोल में इस हंग कर्ड को अलग कर लेंगे, निकाल लेंगे। इसमें पानी ज़रा भी नहीं है, देख सकते हैं आप, ये एकदम दही मलाई जो बची है दही की वो है। यहाँ मैंने ये फुल फैट योगर्ट जो है वो फुल फैट है। उसके बाद हम एक पैन ले लेंगे, उसको गैस पे चढ़ा देंगे, और जब पैन गर्म हो जाए तो उसमें हम शुगर डाल देंगे। और उसके बाद से हमें फ्लेम को लो करके शुगर को कैरामलाइज कर लेना है। देख सकते हैं आप ये कितना अच्छा कलर दिखने लगा है शुगर का। ऐसे ही करके एकदम लो फ्लेम पे हम करेंगे तो ये अच्छे से मेल्ट होगा, जलेगा नहीं शुगर। देखिए ये कैरमल रेडी हो गया है। अब जो है हम इसमें 1/2 कप मिल्क डालेंगे, इस कैरमल शुगर में 1/2 कप मिल्क डालेंगे, और इसको अच्छे से स्पून से चला लेंगे। मिल्क डालने के बाद हम स्पून से इसको कंटिन्यूस स्टर करते रहेंगे जिससे कि ये जो है अच्छे से सॉस बन के रेडी हो जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा देर तक इसको नहीं पकाना है, इतना पकाना है कि ये शुगर जो क्रिस्टलाइज शुगर है वो मेल्ट हो जाए और एक सॉस रेडी हो जाए, कैरमल सॉस रेडी हो जाए। इतने देर तक हम इसको पकाएंगे, उसके बाद से गैस को ऑफ कर देंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे। कैरमल सॉस रेडी हो गया है। अब इसको इसी सॉस को हम डालेंगे ये दही वाले बोल में, हम इसको डालेंगे कैरमल सॉस को, और थोड़ा सा मैं बचा लूँगी जो कि मैं बाद में यूज़ करूँगी। मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ यूज़ करना है इसको। उसके बाद से हम इसमें जो है फ्रेश क्रीम डालेंगे, अगर आपके पास है तो डालें, वरना बिना क्रीम के भी बना सकते हैं आप। और उसके बाद से हम इसमें 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर डालेंगे।
जो कॉर्नफ्लावर हम अक्सर खानों में यूज़ करते हैं वही वाले कॉर्नफ्लावर हम इसमें डालेंगे। एक चम्मच भर के डालना है। उसके बाद से इसको हम अच्छे से विस्क कर लेंगे, विस्कर से या फेंट लेंगे या स्पून से चाहे तो आप फेंट लें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए ये होममेड चीज़ बन के रेडी हो गया है। अब इसी चीज़ को मैं जो मोल्ड में हमने बिस्किट रखी थी उसमें डाल देना है और इसको हम इवेनली डालेंगे, चारों तरफ बराबर डले। एक लेयर जो बने वो बराबर चारों तरफ लेयर बने, इसको ऐसे फैला के डालेंगे हम। उसके बाद से डालने के बाद हम इसको सेट कर लेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे हाथ से सेट कर लेना है। और उसके बाद से मैं आपको बताती हूँ, आप एक पैन ले लें, उसमें नीचे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे पैन में। पैन जो है बड़ा साइज़ का लें जिससे कि आपने केक वाला जो मोल्ड रेडी किया था वो आ जाए। उसके बाद इतना से बड़ा नीचे एक केक स्टैंड रखेंगे और उसके ऊपर से ये केक मोल्ड रख देंगे। और पहले हम केक मोल्ड को ढकेंगे, उसके बाद से हम पैन का ढक्कन लगा के इसको पकने रख देंगे। स्टीम से जो है ये चीज़ केक रेडी होगा, ये स्टीम से पकेगा। हम इसको 30 से 35 मिनट तक पकने के लिए रखेंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप टूथपिक से भी इसको चेक कर सकते हैं, अगर क्लियर रहे तो समझ जाए कि रेडी हो गया है। उतनी देर तक हमें पकाना है, ओवर कुक नहीं करेंगे हम इसको। आप देख सकते हैं केक रेडी हो गया। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद से हम मैंगो ले लेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसे मैंगो के पीसेस को कट कर लेना है, छोटे छोटे पीसेस में मैंगो को कट। और इस कटे हुए मैंगो को मैं एक पैन में डाल दूंगी और उसमें ही हम शुगर डाल देंगे। और शुगर डालने के बाद हम इसको गैस पे चढ़ा देंगे पैन को। और उसके बाद इस पैन को हम गैस पे चढ़ा के पका लेंगे, शुगर मेल्ट हो जाए और मैंगो भी थोड़ा सा कुक हो जाए। इतनी देर तक हम पकाएंगे इसको, हम बस इसको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। बस हमें ये लिक्विड नहीं दिखना चाहिए, अच्छे से शुगर जो है मेल्ट हो जाए और मैंगो में मिक्स हो जाए, उतनी देर हमें पकाना है। देखिए रेडी हो गया है मैंगो। और उसके बाद इस मैंगो को हम चीज़ केक के ऊपर डाल देंगे और इसको भी अच्छे से फैला लेंगे। और ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम चीज़ केक को फ्रिज में डाल देंगे। और उसके बाद से आप इसको कवर करके ढक कर फ्रिज में डालें तो ये ऊपर से ड्राई नहीं होगा केक। और 2 से 3 घंटे इसको ठंडा करने के बाद आप इसको निकाल सकते हैं। और जब ये निकाले तो आप इसका बटर पेपर हटा दें और इसको प्लेट में या देख सकते हैं। हाँ, मैंने भी बटर पेपर हटा दिया है। ये देखिए चारों तरफ से कितने अच्छे से बेक हुआ है, एकदम मार्केट जैसा चीज़ केक लग रहा है। और मैंगो का सीज़न है तो आप एक बार इसको ज़रूर बना सकते हैं। उसके बाद से आप इसको कैरेमल सॉस से गार्निश कर ले। जो कैरेमल हमने बचा के रखे थे कैरेमल सॉस को, आप उसको किसी कोन में भर दे और उससे ऐसे डिज़ाइंस बना ले। यहाँ मैं जैसे बना रही हूँ, ये देखने में थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है। बनाना कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन आप बना सकते हैं चाहे तो। और उसके बाद से आप इसको कट कर लें और सर्व कर दें। और मुझे पता है ये केक बच्चे बड़ों सबको बहुत पसंद आने वाली है, तो आप इसको एक बार इस सीज़न ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।